हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये नए टाइप की नॉटेड स्टिच है जो कि सॉर्बिलो नॉटेड स्टिच कहलाती है। ये जैसे बीच में मैंने बनाया है फ्रेंच नॉट से, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि फ्रेंच नॉट थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा मोटा बना है। तो ये जो स्टिच है ये थोड़ा मोटा मोटा नॉटेड सा बनता है। आप इससे फिलिंग भी कर सकती हैं, जैसे आप करीब करीब अगर बनाएं तो फिलिंग हो जाएगी, और इस तरह की से थोड़ी सी गैप वाली आउटलाइन भी बना सकती हैं। और इसका इफेक्ट जो है थोड़ा सा ऐसे आता है, देखें उभरा उभरा सा आएगी, तो ये अच्छी खूबसूरत मोटी मोटी स्टिच बनती है। इसमें मैंने धागा जो लिया है वो एंकर का है, जो क्रोशे का यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर, तो वो लिया है मैंने, तो उससे थोड़ा सा और इफेक्ट ऐसा आया है जिससे उभरा उभरा सा है। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको बताया शुरू में कि आप इससे फिलिंग भी कर सकती हैं, जैसे करीब करीब करके कोई जगह आपको भरनी हो तो थोड़े थोड़े फासले से आप ये नॉटेड स्टिच बना लें, और आप इससे आउटलाइन भी बना सकती हैं थोड़े थोड़े फासले से रख के। आप एक छोटा सा टांका लेंगी इस तरह, ये स्ट्रेट धागा टांका ले लिया आपने। अब हम नीचे से निकालेंगे इसको। फिर ये जो छोटा टांका लिया है इसके अंदर से आप नीचे से निकाल लेंगे। कपड़े के अंदर नहीं जाना है आपका धागा, सिर्फ धागे के नीचे से निकालनी है आपको। और फिर दोबारा आपने जो अपना टांका लिया था उससे आगे की तरफ निकाल लिया, और अब आपने अपनी सुई को नीचे डाल दिया, तो आपका ये एक नॉट बन गया। करीब करीब आप इस तरह बना सकती हैं कि बिल्कुल लाइन पे आप अपना डिज़ाइन जो है बनाती चली जाइएगा। हमने ऐसे ही किया जैसे हमने प्रीवियस अपने टांके में किया था। नीचे से निकालेंगे आप, और आपका धागा जो है ये आपकी तरफ रहेगा इस तरह। जब आप टांका दूसरा लेंगी ऐसे निकालेंगी, तो जो पहला वाला आपने लिया है लूप जो पहला बनाया था उसमें आपको नहीं डालना है, जो स्ट्रेट स्टिच बनाया था उसके नीचे से निकालना है, और कपड़े के नीचे बिल्कुल नहीं जाएगा आपका धागा। देखिए हमारे ये दो नॉट तैयार हो गए। इसी तरह आप अपना पूरा पेटल कवर कर सकती हैं, और अगर आप चाहें तो आउटलाइन आप किसी और स्टिच की बना के अंदर इससे फिलिंग कर सकती हैं थोड़े थोड़े फासले से, तो ये फिलिंग के लिए भी अच्छा रहता है और ये आउटलाइन भी इससे बन सकती है। एक बात का आपको ख्याल रखना है, जैसे मैं अपनी ऑलमोस्ट हर वीडियो में कहती हूँ कि टेंशन का आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता, ये आपको खुद अंदाज़ा करना पड़ता है। जब आप किसी भी स्टिच की एम्ब्रॉयडरी कर रहे हो तो आपको खुद अंदाज़ा करना है कि अपना धागा कितना खींचना है और कितना लूज छोड़ना है। तो ये चीज़ जो है वो ज़ाहिर प्रैक्टिस से आती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा इसमें भी कितना आपको टाइट रखना है धागा और कितना लूज छोड़ देना है। अब मैं ये पूरा फ्लावर आपको बना के दिखाती हूँ, फिर हम देखते हैं कि ये इफेक्ट कैसा रहता है। अब ये देखिए मेरा पूरा फ्लावर कंप्लीट हो गया है, तो इसका लुक जो है वो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि कैसा आया है। चाहें तो आप थोड़ा और करीब करीब भी बना सकते हैं ये नॉट, और चाहें तो थोड़ा सा दूर बना लें आप या फिलिंग कर लें फ्लावर की जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ये बहुत अच्छा खूबसूरत नॉटेड स्टिच है, डिफरेंट है फ्रेंच नॉट से, तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसा लगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।